11 से 12 के बीच में रात को, और मुझे बोला कि एक अर्जेंटली किसी को बेंगलोर ड्रॉप करना है। विद इन 2 मिनट्स वो आ गई बाहर, और बाहर आने के बाद मुझे बोले कि मेरा बैग रिसेप्शन पे है, वो थोड़ा लेके आओ। मैं वो उठाया तो मुझे बहुत हैवी लगा बैग। मैं वापस गाड़ी में आया और मैडम को बोला कि मैडम देखो 4-5 घंटा तो जाने वाला है, और आप क्या करोगे, मुझे आपको चाहिए तो मैं आपको होटल में एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दूँगा। तो वो बोले कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, जितना टाइम लगता है लगने तो, लेकिन हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। फिर तो मिलने के बाद मैंने सुना कि इंस्पेक्टर ने उनको पूछा कि ये क्या आपका बेटा है, तो उनका जवाब हाँ था। होटल से पहले फ़ोन आया 11 से 12 के बीच में रात को, और मुझे बोला कि एक अर्जेंटली किसी को बेंगलोर ड्रॉप करना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने अपना फेयर वगैरह सब बता दिया, और विद इन 5 मिनट्स उन्होंने कन्फर्म कर दिया, जो होटल रिसेप्शन वाले थे उन्होंने कन्फर्म कर दिया, और 12:30 बजे पिकअप टाइमिंग फिक्स हो गया रात के 12:30 बजे। तो सिंस मुझे अर्जेंट बोला था तो मैंने मेरे साथ एक स्पेयर ड्राइवर लिया, और हम लोग होटल के लिए निकल गए। 12:30 बजे शार्प हम लोग होटल में पहुँचे, और फिर मैडम को कॉल किया मैंने, उनका नंबर मुझे वो रिसेप्शन वाले ने दिया था, और उनसे बात किया मैंने और बोला कि हम लोग ऑलरेडी पहुँच गए। तो विद इन 2 मिनट्स वो आ गई बाहर, और बाहर आने के बाद मुझे बोले कि मेरा बैग रिसेप्शन पे है, वो थोड़ा लेके आओ। मैंने बोला ठीक है। मैं गया रिसेप्शन के पास और देखा कि उनका बैग है, एक मीडियम साइज ट्रॉली, और मैं वो उठाया तो मुझे बहुत हैवी लगा बैग, अनयूजुअली हैवी पर अ सिंगल कस्टमर ऐसा लगा। फिर भी मैं आया और उधर जाके पूछा मैडम को कि मैडम इसमें बॉटल तो नहीं है? तो मैडम बोली नहीं है, मुझे सिर्फ काम का सामान है इसमें। और बाद में हम लोग निकल गए, गाड़ी में बैठे निकल गए, और फिर एक थोड़ी देर बाद मैडम बोली कि पानी का बोतल लेना है, उसके लिए रुको। मैंने बोला ठीक है, हम लोग रुके भी रास्ते में, और हम लोग अभी ऑलमोस्ट कर्नाटका बॉर्डर पे पहुंचने वाले थे कि तब तक उधर ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया चोरला घाट पर एक्सीडेंट हुआ। तो मैं गाड़ी से उतरा, उधर पुलिस वगैरह थी, तो पुलिस को मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा ट्रैफिक क्लियर होने को, तो उन्होंने बोला कि 4 घंटा तो जाएगा। तो मैं वापस गाड़ी में आया और मैडम को बोला कि मैडम देखो 4-5 घंटा तो जाने वाला है, और आप क्या करोगे, मुझे आपको चाहिए तो मैं आपको होटल में एयरपोर्ट पे ड्रॉप करता हूँ, नियरेस्ट एयरपोर्ट पे, गोवा में 2 एयरपोर्ट है, आप फ्लाइट ले लो, आप फ्लाइट चेक भी कर लो। तो वो बोले कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, जितना टाइम लगता है लगने तो, लेकिन हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। फिर मैंने बोला ठीक है, अभी कस्टमर को कुछ बोल नहीं सकते। सुबह 6 बजे ट्रैफिक क्लियर हुआ, 4 आवर्स लगा ट्रैफिक को, हम लोग निकल गए, एक्सप्रेस वे वगैरह पकड़ लिया, ब्रेकफास्ट के लिए रुके 8:30 बजे, मैडम भी उतरी, वो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकल गए। 2-2.5 घंटा ऐसे ड्राइव कर रहे थे, फिर अचानक से पुलिस का कॉल आया, गोवा पुलिस। मुझे बोला कि हम लोग कलंगूट पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहे हैं, और मैंने बोला क्या हुआ, नहीं आपके साथ कितने कस्टमर हैं, मैंने बोला एक ही है, और उसके साथ बच्चा है, मैंने बोला नहीं है। मैंने बोला कि क्या हुआ, नहीं हम उनके होटल से कॉल आया था, तो होटल के रूम में ब्लड स्टेंस मिले, तो और उनके साथ बच्चा, उन्होंने बच्चे के साथ चेक इन किया था लेकिन वो अकेले ही गई है करके। मैंने बोला हाँ अकेले है वो। फिर मैंने फ़ोन निकाल के मैडम के पास दे दिया कि कोई आपसे बात करना चाहता है। तो मैडम और वो पुलिस बात करने लगे 3-4 मिनट में, फिर पुलिस ने मेरे से बात किया और बोला कि हम तुमको 20-25 मिनट में फिर से कॉल बैक करते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे ही ड्राइव चालू था, 20-25 मिनट हो गए, फिर पुलिस का फिर से कॉल आया और बोला कि देखो कि हमने उनसे बात किया था कि एक वो बच्चा किधर है, तो उसने बोला था कि किसी के पास वो बच्चा छोड़ा था, और एड्रेस भी दिया था और फ़ोन नंबर भी दिया था। हाँ, फिर वो एड्रेस भी फेक निकला, फ़ोन नंबर नॉट रीचेबल है, तो ये थोड़ा सस्पिशन रेज करता है, और हमको थोड़ा अभी सस्पिशन ऑलमोस्ट ज़्यादा ही लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं क्या करूँ, तुम एक काम करो, तुम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके गाड़ी रखो और हमको कॉल करो, या अगर रास्ते में कोई हाईवे पेट्रोल व्हीकल मिलती है तो उधर रोको। मैंने बोला ठीक है, टू आर बेड लक कि हमको रास्ते में एक भी पुलिस वैन नहीं मिली, और हमने एक्चुअली अभी ये हाईवे अभी आइसोलेटेड इस पर हो गया था, मतलब जहाँ पे ज़्यादा शॉप्स और ये नहीं है, और मैंने गूगल मैप्स पे डाल के देखा तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मुझे 100 किलोमीटर्स बैक दिखा रहा था। तो यू टर्न लेना तो वॉज लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि वो अलार्म रेज करता मैडम को। फिर मैंने ऐसे सोचा, 2 टोल गेट्स भी निकल गए लेकिन पुलिस मुझे किधर भी नहीं दिखी, और सेकेंडली उधर कर्नाटका में सारे बोर्ड्स तो
करना। कन्नड़ में लिखे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आ रहा था कि ये हॉस्पिटल है या पोस्ट ऑफिस है या पुलिस स्टेशन। फिर मेरे साथ जो स्पेयर ड्राइवर था उसको एक्चुअली इसका कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, मैं अभी एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकता है, तुम फटक से उतर के वॉशरूम में जाओ और उधर ही रुको, मैं बोलता हूँ तुमको एक 10 मिनट उधर ही रुको। और हम लोग रेस्टोरेंट पे रुका गाड़ी, वो गया अंदर, मैं बाहर निकल के, तब मैडम ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि ड्राइवर को वॉशरूम आया वो उधर गया। फिर मैं उतरा गाड़ी से, मैं GPS पे देख रहा है, गूगल पे देख रहा है, मुझे कुछ एक भी पुलिस स्टेशन नहीं मिल रहा था, क्या करूँ करके बाद में उधर एक जो गाइड रहता है वॉचमैन उसके पास गया, उसको पूछा कि आपको हिंदी आती है, हिंदी समझती है, वो बोला हाँ, मुझे ये प्लीज़ हेल्प करो कि मुझे पुलिस स्टेशन कहाँ पे है नज़दीक का, वो थोड़ा प्लीज़ बता दो। और लकीली वो पुलिस स्टेशन 500 मीटर्स पे ही था, और मैंने उसको कन्फर्म किया कि ये बड़ा पुलिस स्टेशन है, कुछ आउटपोस्ट है, छोटा है, वो बोला कि नहीं बड़ा पुलिस स्टेशन है, आई मंगला पुलिस स्टेशन। मैंने बोला ओके ठीक है, और मैंने ड्राइवर को बोला कि आ जाओ बैठो गाड़ी में। फिर मैंने डायरेक्टली PI को कॉल किया, फिर बोला कि अभी फ़ोन चालू ही रखो, मैं अभी उधर पहुंचने वाला है। फिर हम लोग गए, मैं गोवा पुलिस को कॉल किया, गए पुलिस स्टेशन, मिल गया मुझे, उसके सामने जाके गाड़ी रोका, मैडम पूछी मुझे कि इधर क्यों रोका, मैंने उनको बोला कि मुझे पुलिस के 2-3 कॉल आए और इनको कुछ ये पुलिस से बात करना है, इसके लिए उसका आंसर ओके था और कुछ नहीं। मैं गाड़ी से उतरा, झट से जाके फ़ोन कांस्टेबल जो बाहर खड़ा था उसको जाके दिया, बोला कि गोवा पुलिस है ऑन द लाइन, आप बात कर लो। उन लोगों के बीच में 5-10 मिनट का बात हुआ, फिर और 10 मिनट में शायद उनका पुलिस इंस्पेक्टर आया, लेडी इंस्पेक्टर आई, और फिर एक 20 मिनट्स के बाद, अप्रॉक्स 15-20 मिनट्स के बाद वो पुलिस आके मैडम से बात किया, उनको इन्फॉर्म किया कि क्या सिचुएशन है। मैडम उतरी, उनको बोला कि डिक्की वगैरह ओपन करके दिया और बोला कि बैग ओपन करके दिखा दो। खुद मैडम ने बैग ओपन किया, मैडम ने बैग ओपन किया और ऊपर तो सारे कपड़े ही थे, लेकिन बाद में पुलिस ने भी ये करके चेक करते देख लिया, 2-3 कपड़े ऐसे उठा के देख लिया, तो उनको बॉडी मिल गया अंदर। बॉडी मिलने के बाद मैंने सुना कि इंस्पेक्टर ने उनको पूछा कि ये क्या आपका बेटा है, तो उनका जवाब हाँ था, और लेकिन ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा कुछ नहीं था।